आप सभी का स्वागत है। खबर उदयपुर से है। यहाँ के गोगुंदा थाना क्षेत्र के झाड़ोली के गोलनिड़ी गांव में एक युवक ने अपने चार मासूम बच्चे और पत्नी की हत्या कर आत्महत्या कर ली। परिवार के सभी सदस्य घर के अंदर मृत मिले। इसकी जानकारी जैसे ही गांव में फैली, पूरे गांव में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने के बाद गोगुंदा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बताया कि प्रकाश गमेती, उसकी पत्नी और चार बच्चों के शव घर के अंदर मिले। प्राथमिक जानकारी के अनुसार प्रकाश गमेती ने पहले अपने बच्चे और पत्नी का गला घोंटकर उनकी हत्या की और उसके बाद खुद ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। डेड बॉडी है यहाँ पे, जो पूरा परिवार है, हस्बैंड वाइफ और चार बच्चे। क्राइम ऑफ एसआई अभी जो इस तरह का सीन ऑफ क्राइम की इन्वेस्टिगेशन से सुसाइड का मामला सामने आया है। हस्बैंड और तीन बच्चे वो हैं और माँ और छोटा बच्चा है, जो भी छोटा है वो लोग। प्राथमिक दृष्टि में क्या कारण हो सकता है इस पर, तो अभी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही कुछ बढ़िया से कह पाएंगे, लेकिन अभी कोई फोर्स एंट्री वगैरह के साइंस नहीं मिले हैं। इनिशियली मामला साइड कर दिया। उदयपुर से हमारे संवाददाता भगवान प्रजापत इस वक्त फोन लाइन पर बने हुए हैं। भगवान, इस पूरे मामले को लेकर पुलिस की जांच पड़ताल में क्या पता चल पाया है? घटना की वजह क्या पता चल पाया है? क्यों पूरा परिवार खत्म हो गया इस घटना में? बिल्कुल, ये जो पूरा परिवार खत्म हुआ है, इसके पीछे जो सबसे बड़े कारण सामने आए, उसमें संघाली सबसे बड़ी बात सामने आई है, क्योंकि जिस तरह का जो आदिवासी क्षेत्र है जहाँ पर यह घटना हुई है, वहां पर ऐसे कई परिवार हो सकते हैं जो की गरीबी की जो जीवन रेखा उससे भी जीती रहे। हालांकि सरकार की ओर से कई योजनाएं चल रही है, लेकिन यहाँ पर जो मैं चीज बताना चाहूंगा कि जो क्षेत्र है वो आदिवासी क्षेत्र है और उनकी जो परिवार की जो संख्या है उसमें जो बच्चे हैं उनकी संख्या कुछ ज्यादा भी होती है किसी किसी परिवार में। कई बार ऐसा भी होता है कि उनके खाने की रोटी तक नहीं मिलती, इसी वजह से इस तरह की घटना हुई है। और ये बात भी जो भी पुलिस अधीक्षक ने मौके पर जाने के बाद स्पष्ट किया कि अंधारी की वजह से इन्होंने आत्महत्या की है। जी शुक्रिया भगवान तमाम जानकारी के लिए। तो प्रारंभिक तौर पर जो बात सामने आई है उसके मुताबिक आर्थिक तंगी के चलते इस व्यक्ति ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया। पहले अपने बच्चों और पत्नी का गला घोंटकर उनकी हत्या की और फिर उसके बाद खुद ने भी आत्महत्या कर ली। लेकिन पुलिस का ये कहना है कि इस पूरे मामले में जब विस्तार से जांच होगी तब असली कारणों का पता चल पाएगा। राजसमंद जिले के देवगढ़